क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बाद सुनहरे पर्दे के पीछे काम कर रही माफिया गैंग को आज हर कोई पहचान चुका है। इस माफिया गैंग के खिलाफ इस बार कड़ी आवाज भी उठाई गई है, क्योंकि सवाल एक होनहार कलाकार सुशांत सिंह की जान पर बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस नेपोटिज्म भाई भतीजावाद को बॉलीवुड से चुनकर निकाला जा रहा है, उस नेपोटिज्म से म्यूजिक इंडस्ट्री भरी पड़ी है। और जब इस तरह के खुलासे सोनू निगम जैसे पुराने कलाकार करते हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से बने हुए हैं, तो फिर ये एक चिंता का विषय बन जाता है और साथ ही एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगला सुशांत कौन। दरअसल हाल ही में गायकार सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होने के पीछे की वजह सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल सोनू निगम ने अपनी वीडियो में कहा, मैं इस वीडियो से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासकर म्यूजिक इंडस्ट्री से, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल को आप किसी सिंगर के बारे में भी ऐसा सुन सकते हैं, या फिर किसी म्यूजिक कंपोजर के बारे में, या फिर किसी गीतकार के बारे में, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री का जो माहौल है हमारे देश में, फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक इंडस्ट्री में है। मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना जरूरी है लोगों के लिए, सभी को लगता है कि वो बिजनेस को रूल करें। मैं लकी था कि बहुत कम उम्र में आ गया था इस इंडस्ट्री में और इस चंगुल से बच निकला, लेकिन जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितने लड़के लड़कियाँ मुझसे इस बारे में बात करते हैं, वो बच्चे हैं, परेशान हैं कि निर्माता काम करना चाहते हैं, निर्देशक काम करना चाहते हैं, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहते हैं, लेकिन म्यूजिक कंपनी बोलेगी कि ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। आगे सोनू निगम ने कहा कि मैं इन सब से निकल गया हूँ, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने नए सिंगर्स, नए कंपोजर्स और नए गीतकार की आंखों में वो उलझन देखी है। खुलकर रोते हैं वो कभी कभी, अगर वो मर गए तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। सोनू निगम ने बताया कि वो इंडस्ट्री में 1989 से काम कर रहे हैं, और अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर छोटे बच्चों के साथ क्या होता होगा। बताते चले, सोनू निगम का ये वीडियो 7 मिनट का था। वीडियो के शुरुआती हिस्से में सोनू निगम ने शहीद जवानों को लेकर बात कही, लेकिन फिलहाल अगर बात नेपोटिज्म की जाए तो सोनू निगम की इन तमाम बातों को सुनने के बाद हर उस परिवार की चिंता बढ़ गई है जिनके बच्चे इन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं है। किसी भी तरह के अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अर्पण न्यूज को, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।